जो आज मैं बात कर रहा हूँ, वेटेज ऑफ फिजिक्स इन नीट 2014 से लेकर और 2023 तक, मतलब कि प्रत्येक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया हुआ है 2014 से लेकर 2023 के बीच में, और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट ऑन द टेस्ट पेपर्स ऑफ द प्रीवियस 10 ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर्स के पेपर के हिसाब से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, सीरियल नंबर और टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, जैसे सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने हटा दिया है, तो आपको आ जाएगा ड्यूअल नेचर आएगा, एटम्स आएगा और न्यूक्लियस आएगा। उससे अगर देखा जाए तो 2014 जिसमें AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, 5-6 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद फिर 2015 में 5 क्वेश्चन, 16 में 4 क्वेश्चन नीट हो गया, नीट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था करता था। उसके बाद 2017 में भी 4 क्वेश्चन, 18 में भी 4 क्वेश्चन, 19 में भी 3 क्वेश्चन हुआ, 2020 में 7 क्वेश्चन पूछा है। देखिए सिर्फ 3 चैप्टर से देखा जाए तो आपको 7 क्वेश्चन पूछा है और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हुआ करते हैं। 2021 में अगर बच्चों देखा जाए तो 5 क्वेश्चन पूछा है, और 22 में 5 क्वेश्चन, फिर 23 में 5 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बच्चों, मैक्सिमम 7 और मिनिमम 3। ओके, 3 एक ही बार पूछा हुआ है, 3 सिर्फ एक बार पूछा हुआ है, नहीं तो ज़्यादा पूछा गया है 4 और 5। एक बार 7 भी है, 6 भी है, तो एवरेज आप 5 क्वेश्चन का मान के चलते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको हर साल पूछता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कहलाएगा, मतलब कि 20 मार्क्स का। तो अगर हम 2014 से लेकर और 2023 के बीच में अगर देखें तो मॉडर्न फिजिक्स से जो टोटल नंबर आया हुआ है, टोटल जो 48 है, इतने सारे क्वेश्चन अभी तक है उस तरह से। उसके बाद है थर्मल फिजिक्स, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल फिजिक्स में आपको थर्मल एक्सपेंशन एक चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर कैलोरीमेट्री आता है, उसके बाद एक छोटा सा छोटा सा हीट ट्रांसफर आता है, KTG आता है, थर्मोडाइनमिक्स आता है। तो 2014 में 5 क्वेश्चन इसे ही पूछ दिया, इसे 6 इसे 5, फिर से 5 इसे 6, देखिए इसे 4 पूछा था इधर 6 पूछ दिया, फिर यहाँ 4 तो यहाँ 6 5 पूछ दिया, यहाँ पर 4 पूछा तो यहाँ पर 5 पूछ दिया, 3 तो 4, मतलब कि ये ज़्यादा ही पूछ रहा है। लगभग मिला दिया जाए, लगभग इसे मिलाया जाए तो आपको सेम टू सेम मिलेगा, मतलब कि टोटल क्वेश्चन जो पूछा अभी तक वो पूछ लिया 43 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये देखो 43 क्वेश्चन इधर से पूछ लिया। ओके, इसमें अगर पूछ देखा जाए तो थर्मल फिजिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट कहलाएगा, मतलब कि मॉडर्न और थर्मल फिजिक्स अगर आप सोल्व करते हैं, बढ़िया से अगर पढ़ते हैं, तो आपको एवरेज मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स आप 12 क्वेश्चन आप कैचअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ करेंट। करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ करेंट का मतलब वही से में आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं ना, जैसे पावर हो गया, हीट हो गया, उसी को लिखा है इफेक्ट ऑफ करेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं, उसकी बात हो रहा है। देखिए यहाँ भी 4 क्वेश्चन पूछा है बच्चे, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मतलब कि आपको देखा जाए तो 10 साल में 26 क्वेश्चन पूछ दिया 10 को, हाँ 36 क्वेश्चन पूछ दिया 10 साल में। क्लियर। उसके बाद आता है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ करंट के बाद आता है सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो है बहुत छोटा, जिसमें लॉजिक गेट आप पढ़ते हैं, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं, थोड़ा सा डायोड के बारे में जानते हैं, अब तो ट्रांजिस्टर सिलेबस से हटा भी दिया है,
सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिए, दो क्वेश्चन पूछता है, बहुत है, एक घंटा का क्लास है। अगर आप देखें सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सिर्फ एक घंटा में आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। दो क्वेश्चन यहाँ से, दो क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन 2017 में आपको पूछ लिया, तीन क्वेश्चन, फिर दो क्वेश्चन, फिर तीन क्वेश्चन, फिर दो क्वेश्चन, फिर चार क्वेश्चन, फिर तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इस तरह से पूछा हो। अब देख रहे सेमीकंडक्टर्स में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, 27 क्वेश्चन पूछ दिया, देख रहे हैं 27। उसके बाद आता है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन, यह है बहुत आसान, थ्री क्वेश्चन टू क्वेश्चन फोर क्वेश्चन। देखिए 2021 में 4 क्वेश्चन पूछ दिया, 2022 में 3 क्वेश्चन पूछ दिया, फिर 2023 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, टोटल 26 क्वेश्चन पूछ दिया 10 साल में। क्लियर है? अब ये इसमें हम लोग कितना समय देते हैं, बहुत समय देते हैं ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लोग इसको बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है बहुत बड़ा, रे ऑप्टिक्स तो अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके बाद आप देखो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, यह है सब बहुत बड़ा, अगर पढ़िएगा तो काफ़ी समय लेता है, अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लेगा। अब देखिए दो क्वेश्चन पूछा, यहाँ तीन पूछा, दो पूछा, तीन पूछा, चार, 2019 में सबसे ज़्यादा पूछा है, 10 साल के रिकॉर्ड में 2019 में सबसे ज़्यादा 4 क्वेश्चन पूछा है। देखिए 2020 में एक ही क्वेश्चन पूछा, जबकि मॉडर्न फीस से 7 क्वेश्चन पूछा, हीट से 5 क्वेश्चन पूछा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन पूछ दिया, जबकि एक क्वेश्चन पूछा है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 2020 में। 2021 में देखे बच्चों तो 3 क्वेश्चन बढ़ा दिया, फिर तीन ऐसे पूछा है, तीन तीन क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से करंट में अगर अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। दो क्वेश्चन पूछा, देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार देखिएगा तो, उसके बाद उसमें बाद पोटेंशियल कैपेसिटेंस भी है, तो बहुत बड़ा है। तो देखो 2014 में 2 क्वेश्चन, 2015 में एक ही क्वेश्चन पूछा, देखो फिर एक क्वेश्चन पूछा, फिर दो, फिर एक, फिर तीन, फिर तीन, फिर चार, फिर तीन, मैंने एवरेज तीन मान सकते हैं, एवरेज तीन मान के तीन तीन क्वेश्चन पूछता है, तो आपको 23 मिला। सही है बच्चों? अब आता है काइनेमेटिक्स। देखिए काइनेमेटिक्स जो अब चैप्टर है ये तो बच्चे तो पढ़ लेते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उलझ जाते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब कि पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग घूम जाता है, डायरेक्ट फार्मूला अगर नहीं लगता है तो दिमाग तो घूम जाता है। इसमें काइनेमेटिक्स का अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो दो क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन, एक दो, एक तीन तीन, मतलब कि एवरेज आप दो क्वेश्चन मानते हैं, दो क्वेश्चन इससे आपको पूछता है, तो ये 22 हो गया। उसके बाद रोटेशनल मोशन होता है, तो रोटेशनल मोशन ठीक है, काइनेमेटिक्स से अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भी पूछता है और रोटेशनल अगर देखें तो काइनेमेटिक्स से भरोसेमंद है क्योंकि पढ़ने के बाद रोटेशनल का क्वेश्चन बन जाता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पर अगर ध्यान दे दें तो आपको बहुत अच्छे से पकड़ आ जाएगी। तो यहाँ बच्चों हो गया दो नंबर का दो क्वेश्चन, फिर यहाँ पर तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक दो, एक एक, ऐसे ठीक है। 21 क्वेश्चन अभी तक 10 साल में पूछा हुआ है, 21 क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसकी तो बात ही मत करो, ये इतने बड़े हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी जो था मैटर हो गया, एक सॉलिड का है, एक फ्लूड का है, बहुत बड़ा है दोनों को मिला दिया जाए तो, और इसकी परसेंटेज तो बहुत कम है, अभी इसकी परसेंटेज बढ़ी हुई है कुछ, ये पहले तो बहुत गंदा परसेंटेज था इसका। अगर 2014 के पीछे जाए तो बहुत गंदा मिलेगा आपको, क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। देखिए फिर भी दो दो, एक दो, दो तीन, दो एक तीन तीन, अगर आप जाएंगे 2014 के पीछे जाएंगे ना तो इस चैप्टर से तो पूछो मत, ये सबसे नीचे आ जाएगा, ऐसा था। फिर वेव ऑप्टिक्स, नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये भी बड़ा है अपने आप में, लेकिन देखिए दो दो दो, तीन दो, एक तीन, इधर नहीं पूछ रहा है, देख रहे ना, लगातार एक एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है, बस एक क्वेश्चन से निपटा दिया।
18 नंबर का टोटल पूछा अभी तक। ग्रेविटेशन, अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशन अपने आप में ठीक है। क्यों क्यों ठीक है? क्योंकि बहुत छोटा है। 2 घंटे में खूब अच्छे ढंग से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब 2 घंटे में। तो ग्रेविटेशन हो गया। देखिए, 2 क्वेश्चन पूछा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2। किसी भी आदमी से पूछोगे ना तो बोलेंगे ना कि 2 क्वेश्चन पूछता है। हाँ, 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है ना। 2, कभी कभी 1 भी रहेगा, लेकिन 0 क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये भरोसेमंद है क्योंकि इसके सवाल बन जाते हैं। जैसे 1 क्वेश्चन, ये 2016 में नहीं पूछा, इस तरह से है। अब देखिए, 2022 में 4 क्वेश्चन पूछ दिया ना, 4 क्वेश्चन पूछ दिया, तो बाकी सबसे तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत भरोसेमंद है, इसमें फिजिक्स है ही नहीं। 17 क्वेश्चन पूछा 10 साल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लोग बताता है कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा पूछता है बच्चों, मेडिकल में बहुत कम पूछता है। ये बात भी सही है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्चुअल है, काफ़ी फॉर्मूला भी है, काफ़ी इसमें टॉपिक भी है। उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको 2 क्वेश्चन पूछा 2014 में और 23 में 3 क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद आपको वेव मोशन है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है बच्चों। तो आपको देखिए, अब क्वेश्चन की संख्या तो उतना ही रखेगा लेकिन आपको डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसका भी वेटेज अगर देखा जाए तो सही है, कभी कभी घटना भी घट जाती है। जैसे कि 0 नंबर पूछा है, 0 2019 में 0 नंबर पूछा, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर अगला बार इन्होंने पूछा 21 में 0 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अब उसके बाद एक एक क्वेश्चन पूछा, देख रहे हैं आप, एक एक क्वेश्चन 0 0, एक एक क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि अगर वेव का तैयारी करके जा रहे हैं, जिसको साउंड अप बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों ओसिलेशन, जिसको SHM बोलते हैं, डैम्प हटा दिया, फोर्स ओसिलेशन हटा दिया और रिजोनेंस हटा दिया। सिंपल आपको ओसिलेशन मतलब SHM पढ़ना है, टाइम पीरियड जो भी है अपना पढ़ना है। देखिए यहाँ 1 नंबर है, 2 नंबर, कभी धोखा भी हो जाता है। देखिए 0 आ गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3, ये सबसे ज़्यादा पूछा है 3 यहाँ पर 2019 में। उसके बाद तो आपको एक एक नंबर, आप एवरेज 1 नंबर मान के चल सकते हैं। 1 क्वेश्चन पूछता है, नंबर नहीं, 1 क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको 10 साल में 14 ही क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आप मान सकते हैं, परसेंटेज की वजह से देखा जाए तो। उसके बाद बच्चों लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, तो ये सारी क्वेश्चन बन जाती है। देखिए 0 क्वेश्चन भी पूछ दिया, जो नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन। उसके बाद है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा, फिर 0, फिर 2, पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछा था न्यूटन मोशन से। अल्टरनेटिंग करंट में बहुत फार्मूला है, बच्चे इससे डरते हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आता है बहुत आसान आता है, नहीं तो बहुत टिपिकल आता है। बहुत आसान आएगा और नहीं तो बहुत टिपिकल आएगा, इंटरमीडिएट क्वेश्चन नहीं होता है। देखिए धोखा हो गया है, 2014 में नहीं पूछा है, 2017 में नहीं पूछा, फिर बच्चों 2019 में नहीं पूछा, उसके बाद तो 2 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। मान के चलिए कि 2024 में 2 क्वेश्चन पूछ ही सकता है क्योंकि इसका एवरेज बड़ा सटीक है, 2 2 क्वेश्चन, 0 0 क्वेश्चन। ओके, सर्कुलर मोशन नहीं पूछा, वही न्यूटोस्टा मोशन में आ जाता है या रोटेशनल में इंट्री मार देता है, इसीलिए 0 मिला 0 मिला, 4 क्वेश्चन पूछ दिया 2016 में, 4 क्वेश्चन, 1 1 3 0 0 1 1, मान के चलिए 1 क्वेश्चन पूछने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेव, चलिए कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है, अगर 0 भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेव का यूज हम लोग बहुत जगह कर लेते हैं। 0 क्वेश्चन 0 क्वेश्चन, 1 1 1 1 1 2 2 2, अभी हाल फिलहाल में पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेव से। और ख़ास बात यह है कि किसी भी चैप्टर से, इस चैप्टर से एक भी कंसेप्ट को हटाया नहीं है, तो मान के चलिए कि 2 नंबर यहाँ पर ऐड करेगा, वो पक्का 2 नंबर रखेगा, तो कि 2 क्वेश्चन को निसेसरी है पूछेगा वो। वर्क एनर्जी पावर पूछता है नो डाउट, 10 क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि एवरेज अगर देखा जाए तो 1 साल में 1 क्वेश्चन, 10 साल में। कैपेसिटर्स, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, वो खेली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है, कैपेसिटर तो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है कि इसका वेटेज भी ज़्यादा है, जिसको हम लोग कैपेसिटर भी इसमें पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ एंट्री मार दिया वो कैपेसिटर्स, ठीक है, अच्छा है। कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, ये सब कम आता है, इंजीनियरिंग में ज़्यादा आता है, नीट में कम आता है। देखिए ये हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए कोलिजन सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार चांस है 2024 में।
बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर जिसको आप बोलते हैं, तो ये हो गया आपको जीरो, है ना, जीरो क्वेश्चन पूछा, जीरो क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा है बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर से, जीरो 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 जीरो। मैथमेटिक्स वेक्टर कहने का मतलब है कि वेक्टर को आप वर्क एनर्जी पावर में इस्तेमाल कर लेते हैं, डॉट का कहाँ यूज है, क्रॉस का कहाँ यूज है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर लेता है। टोटल क्वेश्चन बच्चों 45 45 पूछा है ना, 2014 2015 45 2016 45, इस तरह से पूछा गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पर 50 क्वेश्चन अब पूछ रहा है, 2021 से थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है कि 50-50 क्वेश्चन दे रहा है, और 50-50 क्वेश्चन देने का मतलब ये हुआ कि आपको 45 ही बनाना है, क्वेश्चन तो 45 ही बनाना है, ओके, मतलब कि आपको च्वाइस दे दिया, क्वेश्चन में च्वाइस दे दिया, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, 15 क्वेश्चन के साथ में रहेगा च्वाइस वाला, तो आपको हेल्पफुल मिलेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा सहायता मिलेगा, ओके। तो ये हमारा टेबल जो मैंने आपको बताया है, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप देखिए एकदम ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।